तो हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है राधाष्टमी, सबको हैप्पी राधाष्टमी। एंड आज देखते हैं, हमारे अभी तो कान्हा जी बैठे हैं, बट मैं ना क्या करती हूँ, जैसे अभी मेरे पास राधा रानी नहीं है, वैसे मेरा मन था इस बार भी, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर पक्का शायद हो जाएगा कि मेरे घर में आ जाएगी मेरी राधा रानी भी। तो जी बस अभी तो मैं, जैसे मैंने पिछले साल किया था, क्या क्या जो कान्हा जी है हमारे मुकुंदा, उनको मैंने राधा रानी बनाया था, तो उनकी मैंने ड्रेस भी बनाई थी। तो इस बार भी मैं ऐसे ही कुछ करूँगी, तो जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तक तो सबका खाना वाना होगा, तो शाम को ही अष्टमी बनाऊँगी। मैं अष्टमी बनाते हैं, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बाकी पता नहीं कुछ भी, और मम्मी वगैरह तो कुछ कहते नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही शाम को बनाती हूँ, बाकी इतना पता नहीं है मुझे। अभी पिछले साल से ही बना रही हूँ मैं अभी राधाष्टमी। तो जी बस देखते हैं कैसा होगा। एंड अभी मैं अपने मुकुंदा को दिखाती हूँ लाकर आपको, और जो छोटे वाले सेठ जी हैं मेरे लड्डू, वो बैठे हुए हैं। तो बस अभी मैं मुकुंदा का लाकर उसको रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी राधा रानी कैसी लग रही है। तो मेरे व्लॉग में बने रहना, एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का व्लॉग। तो उससे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे मुकुंदा को हम राधा रानी में कैसे बदलते हैं। तो चलिए, तो जी देखिए, एक ड्रेस तो ये रही जो मैंने इनके पिछले साल साड़ी बनाई थी, ये दुपट्टा एंड ये साड़ी आपको दिख रही होगी। तो ये मैंने पिछले साल बनाई थी, बहुत इमरजेंसी में बनाई थी, अर्जेंट, एकदम जल्दी जल्दी बनाई थी, एक दिन पहले ही। तो जी एक ये है, और जो इस बार है उसको मैं कन्वर्ट करूँगी अभी, ऐसे ही दुपट्टा वगैरह करके। तो स्टिचिंग का कोई काम नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, बस जल्दी जल्दी कर दूँगी। तो ये रहे हमारे मुकुंदा, अभी तो मुकुंदा है, थोड़ी देर में हमारी किशोरी जी बन जाएं, गिर गए। तो बस एक ड्रेस ये है, ये इनके हेयर जो बनाए थे मैंने, मतलब इनके जो बाल थे ना, केश थे ना ठाकुर जी के, तो वही मैंने प्रेसिंग वगैरह करके उसकी चोटी वगैरह बना के तब ये ऐसे राधा रानी के बनाए थे। तो ये केस है, एंड ये है ड्रेस, ये दुपट्टा, ये दुपट्टा है, हाँ जी, इस बार मैंने ये वाला दुपट्टा लिया। एंड ये ड्रेस है, ये छोटे वाले कान्हा की है, एंड ये अभी हम राधा रानी जी को जो बनाएंगे राधा रानी, उनके लिए ये देखिए। तो बस अभी करते हैं, राधा रानी जी रेडी करते हैं, फिर बोलते हैं आपसे, आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत जो भी है। चलिए, ये इनकी ज्वेलरी वगैरह है, इसमें बड़े की छोटे की दोनों की ज्वेलरी है। ये इनकी पायल है, दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये इनकी पायल है सारी, ये ऐसे इनमें मैं कमरबंद वगैरह के लिए यूज़ कर लूँगी। तो चलिए अभी करते। तो गाइस देखिए, मैं अब आपको दिखाती हूँ हमारी राधिका, ये देखिए ये कैसी लग रही है। ये देखिए, अब मेरे को ऐसा ही आता था, मैंने ऐसे ही किया है हल्का सा मेकअप। और ये हमारे लड्डू, ये बैठे हैं, अभी बस इनकी पगड़ी रह गई है, पगड़ी लगानी है। तो जी दोनों रेडी हो चुके हैं, दोनों की सेम ड्रेस है, ये देखिए। तो बस अब मैं इनको बैठाने जाती हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो अच्छी लग रही है, बट फिर भी एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, इनके लिए राधे राधे लिख देना कमेंट में, तो किसी की नज़र ना लगे मेरी लाडो को। राधा रानी हमारी छोटी सी कैसी लग रही है रेडी होकर। तो मेरे को जैसा मेकअप आता, मेरा हाथ ना कांपता है, पहले नहीं कांपता था, पहले आदत हो चुकी थी ना, तो अब कभी कभार करते हैं, तो इसीलिए नहीं है। और फिर वैसे मेरे पास इनका ना थोड़ा मेकअप का सामान भी नहीं है, बट फिर भी मैंने किया क्योंकि मेरा मन था, मेरा हमेशा मन करता है कि इनको ऐसे रेडी करूं। तो जी बस मेरी राधिका लाडो रेडी हो चुकी है, राधाष्टमी के लिए, अपनी बर्थडे के लिए। तो अभी आपको कैसी लगी हमारी राधा एंड लड्डू, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो राधे राधे ज़रूर लिख देना कमेंट में। तो बस आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, छोटा सा मिनी सा ब्लॉग मेरी राधा का। तो जी एक बार फिर से सबको हैप्पी राधा अष्टमी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।